बिसम अल्लाह रहीम तो वी आर डूइंग एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर रहे थे आज का टॉपिक हमारा रिलेटिवली ईजियर है जो कि पिछली हम स्ट्रेटजीज देखते हैं इट्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ बिट ऑफ़ द डेरिवेटिव पार्ट जो कि हम इनिशियली भी इसकी बात कर रहे हैं कुछ डुप्लीकेशन भी है बट बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेटजी वी नीड टू लर्न टू वी बी डूइंग इट सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वारंट्स कि वारेंट्स क्या होते हैं हाउ दे आर एप्लीकेबल हाउ दे वर्क वॉरेंट्स आर डेरिवेटिव दैट गिव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल आपको याद होगा ये वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन इसमें हम किया था ऑप्शन में येस यूर वेरी राइट बट दीज आर नॉट ऑप्शन दीज आर अनदर डेरिवेटिव विच आर हैविंग सिमिलैरिटीज एज वेल बट इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कॉमनली ये इक्विटीज़ पर ज़्यादा होता है शेयर्स वगैरह के वारंट्स नॉर्मली अटैच किए जाते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये यर्स के साथ ही हो, बट अदरवाइज ऑल्सो भी हो सकते हैं और उसके इसमें एक जो पीरियड होगा उस पीरियड पे आई यू विल भी हैविंग राइट टू एक्सरसाइज दैट उसको एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहेंगे कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप उसको लॉक कर सकते हैं अंडरलाइंग जो सिक्योरिटी होगी चेयर होगा उस पर इसमें दो तरह की हैं जो कि सिमिलर हैं विद प्रीवियस थाट वन इज़ अमेरिकन एंड वन इज़ यूरोपियन ये मैंने पहले भी बात की हुई है कि अमेरिकन और यूरोपियन दीज आर नॉट रिलेटेड टू कंट्रीज़ के ये वहाँ पे होते हैं ट्रेड बट दीज आर टाइप्स विच आर हैविंग देयर ओन फीचर्स तो अमेरिकन आर वन जो कि अपनी टर्म में किसी भी टाइम एक्सरसाइज किए जा सकते हैं यानी कि फ्लेक्सीबिलिटी है कि ये छः महीने का है तो छः महीने में किसी भी दिन वर्किंग डे में जो भी मार्केट जब है या उसका पीरियड है उसमें एक्सरसाइज किए जा सकते हैं वेयर एज यूरोपियन कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट एक्सपायरेशन डेट जो उसकी जो होगी मेचोरिटी डेट है वो सिर्फ तब ही एक्सरसाइज किए जा सकते हैं वारंट डेट गिव राइट टू सिक्योरिटी आर नॉन एज कॉल जिस तरह कॉल ऑप्शन है राइट टू बाय तो वारंट्स जो हमें देंगे राइट टू बाय वो कॉल वॉरट्स कहेंगे और इसी तरह जो राइट टू सेल देंगे दे आर रेफर टू एज वारेंट्स तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीजें वर्ड्स भी और टर्म्स भी सिमिलर हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन हाउ वारंट वर्क्स? वारंट्स आर इन मेनी वेज सिमिलर टू ऑप्शन एज हैव जस्ट सीन एंड वी हैव आल्सो डिस्कस इट बट लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि हमें वी नीड टू नो वी नीड टू हाईलाइट इन आर पर्टिकुलर मोड वारंट्स आर जनरली इशूड बाय कंपनी इट्स ये एक यूनिक चीज है कि जो कंपनी अपना शेयर इशू करती है वो ही अपना वारंट इशू कर रही है नॉट थर्ड पार्टी जो ऑप्शन तो कोई भी कर सकता था थर्ड पार्टीज करती थी ये नॉर्मली वो कंपनीज ही कर रही हैं दे आर नॉर्मली ओवर दी काउंटर ओ टी सी में हो रहे होते हैं रादर देन एक्सचेंज तो ये एक मेजर पॉइंट है हम इसके डिफ्रेंसेस को प्रॉपरली पैराल एलिब्रेट भी करेंगे बट फॉर लर्निंग वी नीड टू नो दैम इन्वेस्टर कैन नॉट राइट वॉर लाइक दे कैन राइट ऑप्शन के आप चाहें तो ऑप्शन राइट कर लें वॉरेंट्स आप इस तरह लिख नहीं सकते नेकेर वारंट्स आर इशूड ऑन देअर ओन विदाउट कंपनी बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक उसके बैक पे अगर स्टॉक नहीं है तो हमको कहते हैं नेकेड कि वो सपोर्ट नहीं है वो कवर्ड नहीं है दे आर वराइटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेन इन्वेस्टर एक्सरसाइज वॉरेंट्स वॉरेंट रिसीव ओनली न्यू इशूज अब कंपनी जिन्होंने वारंट्स इशू किए हैं जब आप वारंट एक्सरसाइज करेंगे तो कंपनी के लट से दस लाख शेयर इशू हुए हैं और एक लाख का वारंट है तो वो एक लाख नए शेयर इशू करेंगे तो यानी कि दस लाख से वो ग्यारह लाख हो जाएंगे तो इसलिए अर्निंग्स में डाइल्यूशन का पार्ट आता है वारंट्स वॉर टू हैव मच लॉन्गर पीरियड बिटवीन इशू एंड एक्सपायरेशन दैन ऑप्शन ऑप्शन नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के होते हैं वारंट्स की लाइफ थोड़ी लंबी देखी जाती है इट कुड बी ईयर्स इन नॉर्मल कोर्स वारंट्स डू नॉट पे डिडेंट्स और कम विद वोटिंग राइट्स जिसके पास वारेंट्स हैं वो ये नहीं कह सकता कि जी मेरे पास इस कंपनी के वारंट हैं तो अगर कंपनी ने डिविडेंट अनाउंस किया है, तो मुझे डिविडेंड भी मिलेगा नो no. और ना ही वो किसी उसकी डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकेगा यानी कि वोटिंग राइट्स भी उसके साथ अटैच नहीं है इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टिड टू वॉरेंट्स एज मीन ऑफ लेवरेजिंग देअर पोजिशन इन असिक्योरिटी वो अपनी पोजिशन को लेवरेज करने करने के लिए, करने के लिए लिए इवन हेज भी का टूल लेते हैं जैसे अगर आपके पास शेयर पड़े हैं तो आप उनके पुट वारंट्स ले रहे तो वो उस पोजीशन को आपको काफी सेफ गार्ड करेंगे जाते हैं डायनेमिक्स तो है, है जो कि एग्जिस्ट करती है टाइप्स ऑफ वारंट्स हमारे पास एक हमारे ट्रेडिशनल हैं इशूड विद बॉन्ड्स बॉन्ड्स के साथ किए जा सकते हैं यानी कि यह वारंट लिंक बॉन्ड्स आप उनको कह सकते हैं ये बेसिकली बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक स्वीटनर दिया जाता है कि आप बॉन्ड खरीदो साथ हम आपको वारंट भी दे रहे हैं कि कुछ अर्से बाद आप इसके अगेंस्ट शेयर ख़रीद सकते हैं दीज वारंट्स आर डिटैचेबल मतलब उसको सेपरेटली ट्रेड भी किया जाता है बॉन्ड की लैदा वैल्यू हो जाती है और ये जो कंपोनेंट है इसकी सेपरेट वैल्यूएशन हो सकती है और वो ट्रेड भी हो सकते हैं डिटैचबल वारेंट का मतलब मैंने पहले बताया है जैसे कि अगर आपने कोई इफ़ यू सी इन अ बुक और या आपने कोई बॉन्ड्स देखे हों जो कि ये हमारे सेविंग सर्टिफिकेट्स के बॉन्ड हैं तो वो सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसके साथ कुछ कूपॉन्स होते हैं आप कूपॉन लेके जाते हैं आपको पैसे मिल जाते हैं तो इनको कहते हैं डिटैचबल ये कैन बी सेपरेटेड फ्राम द मेन इंस्ट्रूमेंट्स वेडिड और वेडिंग वॉरट्स आर नॉट डिटैचबल कुछ उसमें इंग्रीव कर दिए जाते हैं उनको हम वेडिड कह देते हैं और इन्वेस्टर को फिर अपना वो बॉन्ड भी छोड़ना पड़ता है अगर उसने वो वारंट्स को एक्सरसाइज करना हो तो इसलिए ये दोनों में फ़र्क है कि वो कन्व जो था आपका सिंपल वाले उसमें आप डिटैचबल में बॉन्ड को सेपरेटली रख लिया और जो वारंट है उसको सेपरेटली एक्सरसाइज कर लिया लेकिन जब वो वेडिड हो गए तो वो इन्ग्रीव्ड है तो दोनों में आपको तो अगर वो लेना है तो ये दोनों पार्ट आपको छोड़ने पड़ेंगे कवर्ड वारेंट्स जैसे भी हमने कहा था एक नेकेड की बात की थी तो कवर्ड उसका इन अदर रिस्पेक्ट है आर इशूड बाय फाइनेंशियल रादर देन कंपनीज ये थोड़े से डिफरेंट आते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं इन्वेस्टमेंट हाउस जो है वो इशू करते हैं इसमें नया स्टॉक इशू नहीं होता क्योंकि अब कंपनी इशू करेगी तो वो नया स्टॉक देगी जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगा तो दे विल नॉट बी इशूइंग न्यू स्टॉक रादर वॉरेंट्स आर कवर्ड इन दैट द इशूइंग इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी ओन अंडरलाइंग शेयर वो क्या करते हैं कुछ शेयर रख के अपने पास फिर वारंट इशू करते हैं फिर जब वो एक्सरसाइज होती है तो अपने पूल में से उनको फिर वो शेयर एलोकेट करते हैं तो ये थोड़ा इसके डायनमिक्स फ़र्क है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज आर नॉट लिमिटेड टू इक्विटी नॉर्मली मैंने बात की है कि इक्विटी में होते हैं बट दे कैन बी ऑन करेंसीज कमोडिटीज़ अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आ सकते हैं ये हमने डेरिवेटिव में पहले बात की हुई है कि डेरिवेटिव नॉर्मली एक उस पर अंडरलाइंग पे नहीं होते दे कैन बी डन ऑन मल्टीपल लेकिन कुछ किसी पे ज़्यादा होते हैं कुछ किसी में कम होते हैं स्पेशल कंसिड्रेशन इसमें थोड़ी सी ये होती है ट्रेडिंग एंड फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन वारंट्स कैन बी डिफिकल्ट क्योंकि हमने पहले बात की ओटीसी में है तो इनकी भी डिटेल इतनी स्टॉक मार्केट में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती यानी कि बहुत आपको गए बहुत ज्यादा डाटा आपको इस पर ईजिली नहीं मिलता क्योंकि ये लिस्टेड नहीं होते वेन वारंट इज लिंक टू एन एक्सचेंज कुछ जब एक्सचेंज लिंक किए जाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है जैसे आपने अगर देखा हो कि एक कंपनी ने राइट right इशू किया है तो पेल ने अगर राइट शेयर इशू किए हैं तो अगर उसका शेयर ट्रेड हो रहा है तो पेल ट्रेड हो रहा होगा साथ पेल ब्रैकेट में आर ट्रेड हो रहा होगा इसी तरह जब वारंट इशू किए जाते हैं और वो लिस्टेड हैं और उसमें उस केस में जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एमोनिया थेरापिक्स उसके साथ उसका सिंबल है ए बी ई ओ अब ए बी ई ओ उसका शेयर का सिम्बल चल रहा है जब उसका वारंट आएगा तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे एंड में एक वर्ड डब्ल्यू ऐड कर दिया वारंट्स का तो वो उस पर ट्रेड वी की एक एक्सटेंशन बन जाती है तो दिस इज हाउ इट शोन इन द मार्केट इन अदर केसेज जी विल बी डिटैचेबल और लेटर डोटिंग स्पेसिफिक इशू ए बी सी आप उसके साथ अटैच करके कुछ भी तरह लिख सकते हैं यानी कि मल्टीपल वे में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं इन योर मार्केट वॉरेंट्स जनरली ट्रेड एट अ प्रीमियम विच इज सब्जेक्ट टू टाइम डिके क्योंकि अब ये टाइम बार्डेड हैं तो शुरू में उनकी वैल्यू ज्यादा होती है आहिस्ता आहिस्ता टाइम से उनकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि इंसेंटिव भी कम हो जाता है और मार्केट की प्राइस भी ज़्यादा क्लियरली नोन होती है एज विद ऑप्शन वॉरेंट कैन बी प्राइज यूजिंग ब्लैक शोल्स मॉडल अब ब्लैक शोल्स मॉडल को हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या है तो इसके थ्रू इनको वैल्यू किया जा सकता थैंक यू